हे सेकेंड क्लास, हाउ आर यू किड्स? आई होप यू ऑल आर सेफ एट होम। इन यस्टरडेज वीडियो, जो लास्ट का जो वीडियो था, मैंने आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन से इंट्रोड्यूस करवाया था। ओके, आई इंट्रोड्यूस योर चैप्टर टू ऑफ योर ग्रामर बुक। जो आपकी ग्रामर बुक है उसका चैप्टर टू मैंने आपको पढ़ाया था। ओके, सो दिस इज़ द पार्ट सेकेंड ऑफ चैप्टर टू। जो चैप्टर टू है उसका पार्ट सेकेंड है। ओके किड्स, सो हियर वी स्टार्ट। आई होप कि आपको समझ में आ गया काउंटेबल और अनकाउंटेबल किसे कहते हैं, और आई होप कि आपने होमवर्क अपना कंप्लीट कर लिया होगा। ओके किड्स, सो हियर वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट लेसन, मीन्स लेसन टू। सो हियर वी स्टार्ट। बिकॉज वी कैन नॉट काउंट सम थिंग्स, वी से अ बॉटल ऑफ ऑइल, अ कप ऑफ टी, टू ग्लासेस ऑफ वाटर, थ्री सैक्स ऑफ राइस। मीन्स जैसे अब बॉटल ऑफ ऑयल है, ठीक है ना, तो बॉटल तो हम गिन सकते हैं कि टू बॉटल है, थ्री बॉटल है, बट उसके अंदर ऑयल कितना है वो तो हम नहीं गिन सकते ना, तो वो क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल। अ कप ऑफ टी मीन्स हम कप तो गिन सकते हैं कि टू कप है, थ्री कप है, चाय के चार कप है, बट उसमें चाय कितनी है वो तो हम नहीं गिन सकते ना, तो वो भी अनकाउंटेबल हो जाएगा। थ्री सैक्स ऑफ राइस मीन्स तीन बोरियाँ, सैक्स मीन्स बोरियाँ, तो चावल की तीन बोरियाँ हैं, तो हमें पता है तीन है, बट उसके अंदर चावल कितने हैं वो तो हम नहीं गिन सकते ना। राइस कितने हैं, तो वो अनकाउंटेबल होते हैं, तो वो अनकाउंटेबल हो जाएगा। टू ग्लासेस ऑफ वाटर मीन्स टू ग्लास है वाटर के, टू हो सकते हैं, थ्री हो सकते हैं, बट उसके अंदर वाटर कितना है वो तो हमें नहीं पता ना, तो जो चीज़ें हम मेज़र नहीं कर सकते तो वो तो अनकाउंटेबल हो जाती है। तो किड्स, आपको ये देखना है कि आपकी जो बाहर की चीज़ें हैं, ठीक है ना, उससे तो आप काउंट कर सकते हो कि ये इतनी है, बट उसके अंदर जो मटेरियल है, उसके अंदर जो सामान है, ठीक है ना, उसके अंदर क्या है, उससे हमें पता चलना चाहिए कि हम उसे काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कि वो चीज़ है इट्स काउंटेबल और अनकाउंटेबल, हमें ये पता लगाना है। जैसे देखिए बॉटल है ऑफ ऑयल, बट ऑयल कितना है, ऑयल तो हम मेज़र नहीं कर सकते। तो किड्स, आपको ये समझना है बहुत ज़रूरी कि आपको कैसे आप अंदाज़ा लगाओगे, कैसे आप मेज़र करोगे कि वो अनकाउंटेबल है या काउंटेबल है। ओके किड्स, आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो मैं क्या कह रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए, मैच ईच एक्सप्रेशन कॉलम में विद द करेक्ट अनकाउंटेबल नाउन इन कॉलम बी, द फर्स्ट वन हैज़ बीन डव फॉर यू। मीन्स यहाँ पे देखिए, जो कॉलम ए में यहाँ पे एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, ठीक है ना, वो कॉलम बी के साथ मैच करने हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ ड्रॉप ऑफ इंक, ड्रॉप ऑफ इंक मीन्स एक इंक की बूंद, मतलब एक इंक जो गिरती है, ठीक है ना, थोड़ी सी गिरती है, ड्रॉप ऑफ इंक। तो यहाँ पे देखिए, अ बार ऑफ सोप मीन्स एक साबुन की टिकिया बोल सकते हो आप हिंदी में। अ पिंच ऑफ सॉल्ट मीन्स थोड़ा सा चुटकी भर नमक। अ ग्लास ऑफ जूस मीन्स जूस का ग्लास। अ सैक ऑफ राइस मीन्स चावल की बोरी। अब यहाँ पे देखिए, वरुण एंड अनिल वेंट टू द मार्केट मीन्स जो वरुण एंड अनिल नाम का लड़के हैं वो मार्केट गए। वरुण बॉट थिंग्स दैट वो काउंटेबल, मतलब वरुण ने जो चीज़ें खरीदी वो काउंटेबल थी, मतलब उसको वो गिन सकता था। अनिल बॉट थिंग्स दैट वो अनकाउंटेबल मीन्स अनिल ने जो चीज़ें खरीदी वो अनकाउंटेबल थी, मीन्स वो उसको गिन नहीं सकता था। कलर द काउंटेबल थिंग्स येल्लो एंड अनकाउंटेबल थिंग्स ब्लू मीन्स जो काउंटेबल थिंग्स है उस पर आपको येल्लो कलर करना है, और जो अनकाउंटेबल है उस पर आपको ब्लू कलर करना है। द फर्स्ट टू हैव बिन डन फॉर यू मीन्स दो तो यहाँ पे करी हुई है। ओके, जैसे एप्पल्स हैं तो काउंट कर सकते तो येल्लो, ऑयल है तो अनकाउंटेबल है तो ब्लू, राइस है अनकाउंटेबल ब्लू, पेपर मीन्स जो मिर्ची होती है सूखी उसको बोलते हैं पेपर, जैसे ब्लैक पेपर आता है, ग्रीन पेपर आता है, रेड पेपर आता है, लाल मिर्ची, ठीक है ना, सूखी मिर्ची, तो उसको तो हम नहीं गिन सकते तो अनकाउंटेबल। टोमेटो उसको गिन सकते हैं तो यहाँ पे येल्लो कलर आ जाएगा। हनी को नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल ब्लू। बनानास काउंटेबल येल्लो। केक्स अनकाउंटेबल क्योंकि केक कितना है, मतलब कितने केजी का, तो हम नहीं गिन सकते, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अनकाउंटेबल। वाटर को भी नहीं गिन सकते। एग्स काउंटेबल येल्लो। पेपर काउंटेबल मीन्स जो पेपर्स होते हैं, वन है, टू है, थ्री है। कोकोनट्स काउंटेबल। बर्गर काउंटेबल। जूस अनकाउंटेबल। मिल्क अनकाउंटेबल। कैरट्स काउंटेबल। बटर अनकाउंटेबल। पाइनएप्पल्स काउंटेबल। ओके किड्स, आई होप कि आपको ये समझ में आया, तो आपको येल्लो एंड ब्लू कलर करना है इसमें। ओके किड्स, अब यहाँ पे देखिए, चूज़ द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम
फ्रॉम द बॉक्सेस एंड फिलिंग द ब्लैंक्स विथ राइट सी इफ द नाउन्स आर काउंटेबल एंड राइट यू इफ द नाउन्स आर अनकाउंटेबल. द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू. मीन्स आपको क्या करना है, जो यहाँ पे वर्ड्स है ठीक है, वो यहाँ पे आपको लिखने हैं. अगर वो काउंटेबल है तो आपको सी लिखना है, और अनकाउंटेबल है तो यू लिखना है. जैसे कि देखिए यहाँ पे, आई वॉन्ट टू लर्न मैनी लैंग्वेजेस. तो लैंग्वेजेस तो हम काउंट कर सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेजेस यानी भाषाएं तो कई तरीके की होती है. जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, मराठी है, मारवाड़ी है, ओके, जापानीज है, चाइनीज़ है, तो ये काउंटेबल है, हो गई लैंग्वेज. तो यहाँ पे सी आ जाएगा. एट द मोमेंट आई कैन स्पीक हिंदी, इंग्लिश एंड सम फ्रेंच. मीन्स एक ही मोमेंट पे मैं हिंदी भी बोल सकूँ, इंग्लिश भी बोल सकूँ और फ्रेंच भी बोल सकूँ, ठीक है ना. तो ये जो लैंग्वेज है वो तो हम काउंट कर सकते हैं, बट लैंग्वेज कैसी, मतलब उसके अंदर का तो हम काउंट नहीं कर सकते, तो क्या आ जाएगा, अनकाउंटेबल. ओके किड्स, आपको आई होप के समझ में आ रहा हो. अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, हाउ मेनी डैश डू यू वॉन्ट. मतलब यहाँ पे देखिए ऑरेंजेस, मतलब आप कितने संतरे लेना पसंद करोगे. तो ऑरेंजेस को तो हम गिन सकते, तो यहाँ पे सी आ जाएगा. आई डू नॉट वॉन्ट द फ्रूट, कैन यू गिव मी सम डैश इंस्टेड. मतलब मुझे ना फ्रूट नहीं चाहिए, मुझे फल नहीं खाना. कैन यू गिव मी, मतलब क्या तुम उस फ्रूट के बदले मुझे जूस दे सकते हो. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जूस. तो जूस को तो हम काउंट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू. अब यहाँ पे देखिए मिल्क एंड चॉकलेट्स. हाउ मैनी डैश डू यू वॉन्ट टू ईट, मतलब आपको कितनी चॉकलेट्स चाहिए खाने के लिए है. तो एक चॉकलेट्स को काउंट कर सकते हैं, तो सी आ जाएगा. आई वॉन्ट टू, आई ऑल्सो वॉन्ट सम डैश टू ड्रिंक. मतलब मुझे दो चाहिए, मुझे और यहाँ पे देखिए मिल्क दिया होता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिल्क. आई ऑल्सो वॉन्ट सम मिल्क ड्रिंक, मतलब मुझे कुछ दूध भी चाहिए पीने के लिए. तो मिल्क को तो काउंट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू. अब यहाँ पे देखिए ऑयल एंड लैम्प्स. तो यू हैव मैनी प्रेटी डैश, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि आपके पास बहुत सारे सुंदर सुंदर लैम्प्स हैं. मीन्स लैम्प्स को तो आपको सबको पता ही होगा ठीक है ना, क्या होते हैं. तो लैम्प्स को तो हम काउंट कर सकते हैं, तो सी आ जाएगा, काउंटेबल. इफ़ यू कैन गेट सम डैश वी कैन लाइट देम ड्यूरिंग दिवाली. मतलब आप अगर ऑयल ला सकते हो, अगर थोड़ी सी थोड़ा सा ऑयल ला सकते हो, तो हम उसे दिवाली के दौरान, मतलब दिवाली पर जला सकते हैं लैम्प को. ओके, तो ऑयल है वो तो अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पे यू आ जाएगा. आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो. अब यहाँ पे देखिए फॉरेस्ट वुड ट्रीज ग्रेजुअली ऑल द डैश इन द डैश आर बींग कट डाउन. मीन्स यहाँ पे देखिए ऑल द ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर बींग कट डाउन, मतलब जितने भी पेड़ हैं ठीक है ना, वो फॉरेस्ट में मीन्स जंगल में जितने भी पेड़ हैं वो काटे जाएंगे. दे नीड देम फॉर द डैश, मतलब उन्हें उनकी ज़रूरत है. क्यों, किससे, किसके लिए, क्यों. पेड़ों पे आपको पता है लकड़ियाँ होती है, तो उन्हें लकड़ी की ज़रूरत है, तो लकड़ी को क्या बोलते हैं, वुड. तो यहाँ पे क्या जाएगा, वुड. तो ट्रीज और फॉरेस्ट तो काउंट कर सकते, तो सी, और फूड काउंट नहीं कर सकते, तो यू. अब यहाँ पे देखिए देर आर थ्री डैश हियर, देर इज नो डैश इन एनी वन ऑफ देम, कुड यू प्लीज लैंड मी योर डैश. अब देखिए यहाँ पे देर आर थ्री कार्स, मतलब कार्स हैं यहाँ पे, थ्री कार्स है, तो कार्स को काउंट कर सकते हैं, तो सी. देर इज नो डैश इन एनी वन ऑफ देम, मतलब उसमें से एक में भी पेट्रोल नहीं है, तो पेट्रोल नहीं काउंट कर सकते, तो यहाँ पे यू आ जाएगा. कुड यू प्लीज़ लैंड मी योर डैश, मतलब क्या तुम मुझे थोड़ी देर उधार पे, मतलब थोड़ी देर के लिए तुम मुझे अपनी बाइसिकल दे सकते हो. तो बाइसिकल तो हम काउंट कर सकते हैं, ओके, वन टू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, काउंटेबल. अब यहाँ पे देखिए समरी हम पढ़ लेते हैं. समरी मीन्स इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा. इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न दैट कॉमन नाउन्स कैन बी काउंटेबल एंड और अनकाउंटेबल. जो कॉमन नाउन होते हैं ठीक है ना, उसको हम काउंट कर सकते हैं और नहीं भी काउंट कर सकते हैं. ओके, काउंटेबल नाउन्स आर दोज दैट कैन बी काउंटेड, मतलब काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जो हम गिन सकते हैं. एंड अनकाउंटेबल नाउन्स आर दोज दैट कैन नॉट बी काउंटेड, और अनकाउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिसे हम गिन नहीं सकते हैं. ओके किड्स, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो ये चैप्टर अच्छे से. ओके किड्स,
आई होप कि आपको कोई भी क्वेरी ना हो इसमें, क्योंकि ये तो एकदम ही ईजी था। काउंटेबल और अनकाउंटेबल हो तो आपके लिए एकदम मज़े की बात है पढ़ना। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज देन प्लीज़ डोंट बॉदर टू आस्क मी। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो किड्स। ओके, स्टिल देन स्टे सेफ, बाय, थैंक यू सो मच।